क्या आपको भी ऐसा ही बिल्कुल मस्त सा प्रोफेशनल थंबनेल बनाना अपने यूट्यूब चैनल के लिए? तो हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर रहे हैं। एंड शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि थंबनेल कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी एक यूट्यूब वीडियो के लिए। क्योंकि जो हम लोग को, जो सामने वाला देखने वाला है, उसको बस वो थंबनेल दिखता है और टाइटल दिखता है। तो अब जैसे मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ कैनवा, जो मैं अपने थंबनेल बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, और भी मैं काफ़ी चीज़ें यूज़ करता हूँ। आज मैं आपको थंबनेल कैनवा में ये वाला मैंने कैसे बनाया वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा। एंड कैनवा में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख जाती हैं। अगर आप मेरे प्रोजेक्ट्स देखेंगे, ये मैंने काफ़ी रिसेंट मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ये जितने भी मेरी वीडियोज़ में आपको अगर थंबनेल दिख रहे हैं वो मैंने यहीं से ही बनाए हैं। एंड अगर मैं इसमें बाकी चीज़ें भी देखूं कैनवा में, जो काफ़ी ज़्यादा इजी लगती है मेरे को, कि मैं इसमें लोगो वगैरह भी इजीली क्रिएट कर सकता हूं, एंड ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा सामने सामने ही सब कुछ आपको दिख जाता है। बेस्ट पार्ट इसका एक और चीज़ है कि इसमें कैलेंडर एक है जिसमें मेंशनड है कि अब कौन कौन सी इवेंट्स आने वाली हैं, तो आप इवेंट के अकॉर्डिंगली अपनी वीडियोज़ भी एक सोच सकते हो, बना सकते हो, एंड उसका थंबनेल भी यहाँ से बना सकते हो। एंड अब अगर मैं बताऊँ आपको कि कहाँ से थंबनेल जाके बनाना है, तो कैनवा जब आप ओपन करोगे वहाँ पे राइट हैंड साइड में क्रिएट डिज़ाइन आ रहा है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। वीडियो, यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम के रिपोस्ट बनाना है, इंस्टा स्टोरी के लिए बनाना है, फेसबुक के लिए बनाना है, लिंक्डइन के लिए बनाना है, ये सब कुछ इसमें कवर होता है। अब जैसे आज के थंबनेल के लिए मैं यूट्यूब थंबनेल पे जाऊँगा, क्लिक करता हूँ, एंड कुछ इस तरीके की हमारी स्क्रीन ओपन होती है जिसमें हम लोग को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दिख जाती है, जैसे टेम्पलेट्स जो पहले से ही अवेलेबल हैं, एलिमेंट्स, क्या क्या हम एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, अपलोड, अगर हमें कोई भी फ़ोटो इसमें अपनी लेके आनी है हम वो भी इसमें लेके आ सकते हैं। ये कुछ पहले के टेम्पलेट्स हैं जो मैंने कुछ कुछ यूज़ भी किए हैं, एंड अगर मैं इसको सी ऑल करके ओपन करके सारे भी देखूंगा तो काफ़ी अमेजिंग अमेजिंग से हम लोग को टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल रहे हैं जिसमें बस हम लोग को एडिट करना है, दैट्स इट। तो काफ़ी ईजली ईजी एक्सेस दिखा मेरे को यहाँ पे। एंड अगर मैं फिर यहाँ पे म्यूज़िक का, अगर आपका चैनल है तो आप यहाँ पे म्यूज़िक वाला टेम्पलेट भी यूज़ ईजिली कर पाओगे। इसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं म्यूज़िक का थंबनेल बनाने के लिए, आपको इसमें इतनी ज़्यादा वेराइटी मिल रही है। तो अगर मैं टेम्पलेट्स देखूँगा, स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा, इतने ज़्यादा टेम्पलेट्स मेरे को दिख रहे हैं। तो कैनवा ने हम लोग का काम काफ़ी ज़्यादा पहले से ही, खुद से ही आसान बना दिया है। हम लोग को बस थोड़ा बहुत अपना टचअप, फिनिशिंग टच, एंड थोड़ा बहुत अपना बस दिमाग लगाना है कि वो कैसा लुक एंड फील एंड हमारी वीडियो पे कैसा फिट बैठ रहा है। हम लोग उसके अकॉर्डिंगली, चाहे वो गेम्स का चैनल हो, चाहे वो Q&A हो, चाहे अगर हम लाइव आ रहे हो, या आफ्टर एंड बिफोर हमको दिखाना है, या टॉप 10 किसी चीज़ का दिखाना है, सारे यहाँ पे रेडीमेड हमको मिल रहे हैं। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ, मेरे को आज वाला जो बना रहा हूँ मैं इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, एंड मैं इस पर बस कुछ एडिट्स करूँगा, दैट्स इट। जैसे मेरे को आज का ये जो आपने थंबनेल देख ही लिया है, मैंने उस पर यहाँ पे मेंशन किया है इसके टाइटल में कि ऐसे बनाओ प्रोफेशनल थंबनेल। तो मैं इसमें एक एक करके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो कलर्स है ना, ये बहुत इस पर सूट कर रहे हैं। ऐसे बनाओ प्रोफेशनल, इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, एंड इस फोटो की ज़रूरत नहीं है हम लोग को, तो इस फोटो को हटा देंगे, और इस गाने वाले की भी यूज़ नहीं है। पॉडकास्ट को हम लोग एडिट कर लेंगे हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे थंबनेल चाहिए है। और अभी इसका बॉक्स भी ग्रुप करके हम लोग बड़ा करके आपको मैं दिखाता हूँ। पहले ये माइक वाला भी नहीं चाहिए, अभी इसको शिफ्ट दबा के हम लोग इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, एंड ये भी हम लोग को अब नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं। अब ये थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा है ना, अभी इसको देखते हैं। अभी इसको शिफ्ट दबा के दोनों बॉक्सेस को सेलेक्ट करके इसको ग्रुप कर दिए, तो अब ये एक हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे यहां पे रख देते हैं, यहां पे ठीक लग रहा है।
अभी अगर मैं इसको देखूँ तो ये स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड ऑक्यूपाइड लग रहा है। अब ये ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा ना, अपनी गैलरी में जाता हूँ एंड जो मेरे पुराने थंबनेल्स मैंने यहीं से बनाए, मैं उनको एज एन एग्जाम्पल या फिर एज एन सैम्पल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एंड उसको यहाँ पे शो करता हूँ इसमें, ताकि जितनी भी खाली खाली जगह है ना वो यूज़ हो जाएगी। उसको बस यहाँ पे लेके आके यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा मैं। अब वो यहाँ पे अपलोड हो रही है। अब इसके ये फोटोज़ इसमें अपलोड हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग चेंज करते हैं, इसका साइज़ थोड़ा सा सही करते हैं। इसमें आपको भी जब आप अपना थंबनेल बनाओगे ना, तो आपको भी कलर्स में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कौन कौन से कलर आपके लिए फिट बैठ रहे हैं। जैसे ये अब मेरे को ठीक ठीक लग रहा है एंड ठीक ठीक नहीं भी लग रहा है, तो ये वाला मैं हटा दूंगा, ये वाला मैं यूज़ नहीं कर रहा। बाकी जो ये जो भी का जो थंबनेल है ये वाला मैं यूज़ कर लेता हूँ, इसी को बस रखते हैं। इसकी रीसाइजिंग करके इसको साइड में एज एन सैम्पल, थोड़ा सा टिल्ट करके रख देते हैं ताकि थोड़ा दिखने में अच्छा लुक एंड फील आए, क्योंकि बाकी के जो भी जो टाइटल्स हैं वो ऐसे ही टिल्टेड फॉर्म में हैं। अब अभी भी थोड़ा सा अगर मैं इसमें फिनिशिंग टच दूंगा तो ये काफ़ी अच्छा दिखने में हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फोटोज़ पे जाता हूँ एंड यूट्यूब, इसमें मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे ऐसे बनाऊँ यूट्यूब का प्रोफेशनल थंबनेल। तो मैं यहाँ पे सिंपल यूट्यूब लिखूँगा, तो यहाँ पे यूट्यूब की फ़ोटोज़ ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने ये वाली फ़ोटो इसमें सेलेक्ट कर ली। अब इसका बैकग्राउंड तो मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं फ़ोटो को पहले इसकी इसका जो बैकग्राउंड है ना उसको हटा देते हैं। तो उसको एडिट इमेज पे जाके बैकग्राउंड रिमूवर मैं क्लिक करूँगा, वो अपने आप ही इसका बैकग्राउंड हटा देगा। कुछ सेकेंड्स का बस वेट करना है, वो जल्दी से प्रोसेस करके हम लोग को फाइनल जो फोटो है वो दे देगा। ये देखिए, उसने पीछे का बैकग्राउंड पूरा हटा दिया है एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रही, पर ये साइड में नहीं, इसको यहीं कहीं पे बीच में फिट कराते हैं। तो ऐसे बनाओ को ऊपर ले जाते हैं, प्रोफेशनल को भी ऊपर ले जाते हैं एंड इस फोटो को साइड में ले जाके वहाँ पे टिल्ट कर देते हैं। एंड ये यूट्यूब वाले जो लोगो है इसको यहाँ पे लाके अभी सही लग रहा है और अभी पूरा का पूरा भर भी गया है। ऐसे बनाओ प्रोफेशनल थंबनेल, काफ़ी इजी है एंड दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड इतना इजी तरीके से बिना आपको अपना चेहरा यूज़ किए आप ऐसे ही थंबनेल बना सकते हो एंड सेव करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। यहाँ पे राइट क्लिक करके डाउनलोड पे क्लिक करना एंड दैट्स इट, फोटो आपकी डाउनलोड। आप इसका साइज़ भी बड़ा कम सकते हो, आपके ऊपर है आपको किस उसमें चाहिए, 4K में चाहिए, कैसे चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। अभी मैं आपको पूरी फ़ोटो भी अच्छे से फुल करके भी दिखा दे रहा, ये देखिए डाउनलोड हो गई है एंड ये कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है जो आपने ऑलरेडी थंबनेल पे क्लिक करके आप आए हो, तो ये है आपके सामने।